देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 17 नवंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 35 नए मामले, मौत कोई भी नहीं, 17 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 253 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 819 नए मामले सामने हैं, 825 रिकवरी हुई है, 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8027 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोविड-19 मामले, 27 रिकवरी, 1 मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 302 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 15 नए कोरोना के मामले, 16 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 146 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 167 नए मामले सामने आए, 164 रिकवरी हुई है, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 3737 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 247 नए मामले सामने हैं, 171 रिकवरी हुई है, 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3226 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 255 नए मामले सामने आए, 667 मरीज ठीक हुए हैं, 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 7522 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना के मामले, 6 रिकवरी दर्ज की गई है, एक दौरान 1 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 174 है। नंबर 9, तमिलनाडु में आज कोरोना के 789 नए मामले सामने आए हैं, 913 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 15 लोगों की मौत हुई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 9349 हैं। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 33 नए कोरोना के मामले और 18 रिकवरी दर्ज की गई है और 1 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 320 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 23 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, कोरोना से 20 लोग ठीक हुए हैं, 1 मौत हुई है, सक्रिय मामले 252 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 191 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 416 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2734 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 17 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 73 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 5516 नए मामले सामने हैं, 6705 रिकवरी हुई है, 210 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 63968 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 1 मौत और 8 ठीक हुए, सक्रिय मामले 77 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं, 22 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 133 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 129 नए मामले सामने आए हैं, 109 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1132 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए मामले सामने हैं, दौरान 334 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 537 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 4 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 0 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, सक्रिय मामले 27 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 206 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 236 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2486 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 113 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 806 नए मामले सामने हैं, 948 रिकवरी हुई है, 34 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 15497 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना कोविड के 8 नए मामले सामने हैं, 8 लोग डिस्चार्ज हुए, एक्टिव मामलों की कुल संख्या 99 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 44 नए कोरोना के वायरस के मामले आए हैं, 24 रिकवरी हुई है, कोरोना से 1 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 357 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 3 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 50 है। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 9 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 266 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 144 नए कोरोना के मामले, 115 रिकवरी, 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1544 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 25 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 263 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 459 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 250 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 5390 हैं। तो ये थे आपके राज्यों की 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।